हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 19 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे. इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट अफेयर क्वेश्चन विच इज वेरी क्रूशियल फॉर एमपीपीएससी एग्जामिनेशन. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी लेक दुनिया की हाइस्ट लेक है. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाइस्ट लेक इन द वर्ल्ड. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लेक टिटिकाका. लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे हाइस्ट लेक है. ओके, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है. अब इसका हम मैप देख लेते हैं और देन उसके साथ हम और भी एसोसिएटेड फैक्ट्स को डील करते हैं. तो लेक टिटिकाका जो है ये सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट को बिलोंग करती है. ओके, और सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी अगर बात की जाए तो ये बोलीविया और पेरू के बीच में बॉर्डर का काम करती है. आप ये देखेंगे बोलीविया और पेरू ये दो देश हैं, इनके बीच में सिचुएटेड है हमारी लेक टिटिकाका. ओके, जो कि दुनिया की सबसे हाइस्ट वाटर लेक है. और ये हाइस्ट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में है. एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला मीन्स एंडीज माउंटेन रेंज किस कॉन्टिनेंट में लाई करती है. तो ये लाई करती है साउथ अमेरिका में. ओके, और एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर ही अगर आप देखें बोलीविया और पेरू के बीच में ये शेयर करती है लेक टिटिकाका. अब मैं आपको कुछ और फैक्ट बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. बोलीविया की कैपिटल है लापाज, और अगर पेरू की कैपिटल आपसे पूछा जाए तो ये है लीमा. तो ये कैपिटल भी आप याद रखिएगा. अब इसके अलावा आपको और भी फैक्ट दिया गया था, उसमें दिया गया था कि लेक सुपीरियर कहाँ पे है. तो लेक सुपीरियर की अगर बात की जाए तो ये यूएसए और एज वेल एज कैनेडा इन दोनों के बीच बॉर्डर शेयर करती है. ओके, आप देखेंगे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ इसको तो लेक सुपीरियर जो है ये यहाँ पे अगर सदर्न एरिया देखा जाए तो यूएसए और अगर नॉर्दर्न एरिया देखा जाए तो कैनेडा, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है. अब ये लेक सुपीरियर के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और एसोसिएटेड है कि ये दुनिया की बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द फ्रेश बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका आंसर होगा लेक सुपीरियर, जो कि सिचुएटेड है यूएसए और कैनेडा की बॉर्डर पे. अब आपसे यूएसए और कैनेडा के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि एमपीपीएससी में काफी बार पूछा गया है. यूएसए और कैनेडा की जो बॉर्डर रहती है उसको किस नाम से जाना जाता है. तो ये है 49 डिग्री पैरेलल, ये भी आप याद रखिएगा. अब हम इसके अलावा कुछ और फैक्ट देखते हैं जो हमारे ऑप्शंस में थे. ऑप्शन में जो तीसरा ऑप्शन था वो ये था कि लेक बैकल क्या है. तो लेक बैकल है दुनिया की सबसे गहरी लेक, मींस डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है हमारे रशिया में. ओके, याद रखिएगा रशिया में सिचुएटेड है लेक बैकल. ओके, और अगर आपको इसकी डेप्थ पूछी जाए कि लेक बैकल की डेप्थ कितनी है तो आप लिख सकते हैं 1642 मीटर इज द डेप्थ ऑफ द लेक बैकल विच इज सिचुएटेड इन रशिया. अब हम अगला फैक्ट और देख लेते हैं, ऑप्शन डी कैस्पियन सी. ओके, कैस्पियन सी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से. कैस्पियन सी जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट लेक है. ओके, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड अगर पूछा जाए आपसे तो वो है कैस्पियन सी. अब कैस्पियन सी से रिगार्डिंग आपसे एक और फैक्ट पूछा जाता है कि कैस्पियन सी अपनी बॉर्डर किन देशों के साथ साझा करती है. तो ये पांच देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है. हम इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी आपको बताया है, लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो कैस्पियन सी की अगर बात की जाए तो पांच कंट्री की एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं. ये है तारीख, TARIK. काफी सिंपल ट्रिक है. ये देश है जिनसे कैस्पियन सी अपनी बॉर्डर शेयर करता है. तो टी से स्टैंड करता है तुर्कमेनिस्तान, ए से स्टैंड करता है अजरबैजान, आर से स्टैंड करता है रशिया, आई से स्टैंड करता है ईरान. अब आप कंफ्यूज मत होइएगा इराक और ईरान में, ये है ईरान. याद करने के लिए आप सिंपल ट्रिक निमोनिक याद कर सकते हैं कि ईरान ए एन से खत्म होता है और कैस्पियन भी ए एन से खत्म होता है. इराक आपको ऑप्शन में दिया जाएगा लेकिन इराक से बॉर्डर इसकी शेयर नहीं करती है. अगर बात की जाए ऑप्शन के की तो के स्टैंड करता है कजाकिस्तान से. अब हम इसकी कैपिटल भी देख लेते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. तो आप ये देख सकते हैं ये है तुर्कमेनिस्तान. ओके, तुर्कमेनिस्तान की आपसे कैपिटल पूछी जा सकती है. तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशखबाद. ओके, याद रखिएगा अशखबाद इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान. अब बात करते हैं अजरबैजान, जो दूसरी हमने बताया था टी ए, देन आता है अजरबैजान. अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू, याद रखिएगा बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान. अब रशिया की आप कैपिटल तो जानते होंगे, ये है मॉस्को. और अगर बात की जाए आई मतलब ईरान की, तो ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे अगर कजाकिस्तान की कैपिटल पूछी जाए तो ये है अस्ताना, याद रखिएगा अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बोलीविया वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये करंट अफेयर से डील करता है. बोलीविया दुनिया की पहली ऐसी कंट्री हो रही है जिसने टिटिकाका लेक जो है दुनिया की सबसे हाईएस्ट
वाटर लेक है जो, उसमें एक वाटर म्यूजियम बना रही है, मींस अंडर वाटर म्यूजियम कंस्ट्रक्ट कर रही है बोलिविया। तो ये करंट अफेयर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये मैंने लिया है santiagotimes.cl से, आप इसके बारे में इस लिंक में ज्यादा पढ़ सकते हैं और ये हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उसके ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर कौन है। ओके, म्यूजिक कंपोजर ऑफ नेशनल सॉन्ग। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। ओके, और इनके जो म्यूजिक कंपोजर हैं उनका नाम है ऑप्शन बी, दैट इज जदुनाथ भट्टाचार्य। जदुनाथ भट्टाचार्य इज द ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर ऑफ आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अगर आप नेशनल सॉन्ग की अगर बात की जाए तो नेशनल सॉन्ग के जो ऑथर हैं, मीन्स जिन्होंने नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम लिखा है, वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, और इन्होंने अपने आनंद मठ नॉवल से इसको लिया है। अब बात करते हैं इन्होंने कब लिखा, तो ये आप डेट भी याद रखिएगा, 1882 इज द एग्जैक्ट डेट, और ये ईयर है जो आपको याद रखना है। इट इज द डेट इन विच बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट नेशनल सॉन्ग और रोट आनंद मठ, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था। अब रविंद्रनाथ टैगोर के साथ नेशनल सॉन्ग का कौन सा फैक्ट एसोसिएट होता है ये भी हमें याद होना चाहिए। नेशनल सॉन्ग का एक फैक्ट की अगर बात की जाए तो पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में, मींस फर्स्ट टाइम इन कैलकटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896 नेशनल सॉन्ग गाया गया था। अब गाया किसने था, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के 1896 कांग्रेस के सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल सॉन्ग गाया था जो कि है वंदे मातरम। अब बात करते हैं कि इस सेशन की अध्यक्षता, मींस हु प्रिसाइडेड दिस सेशन, तो 1896 का जो कांग्रेस का सेशन था उसकी जो प्रिसाइड किया था वो था रहीमतुल्ला सयानी जी। रहीमतुल्ला सयानी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 के सेशन को प्रिसाइड किया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड, काफ़ी इजी है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पता हो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबल प्राइज कब मिला था और किस सब्जेक्ट में मिला था, अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी रिसेंटली 180th बर्थ एनिवर्सरी हुई है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे करंट अफेयर सेगमेंट के लिए क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो सोर्स है मैंने लिया हुआ इसका zeenews.india.com से, आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं इस लिंक से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी टेलीकॉम कंपनी इंडिया की पहली इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस लॉन्च की, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज BSNL। BSNL को फुल फॉर्म क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये याद रखिएगा। इन्होंने अपनी एक नई ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है विंग्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विंग्स एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस है। अब ये क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंस है व्हाट्सएप और जो गूगल डीओ रहता है उनसे किस तरीके से डिफरेंस है, तो ये इसका आप आंसर बता सकते हैं कि जो व्हाट्सएप और जो गूगल डीओ की जो सर्विस होती हैं वो ऐप टू ऐप ही कॉल करती हैं, मीन्स एक ऐप के माध्यम से ही दूसरी ऐप में कॉल होता है। यदि फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है और अगर वो पर्सन बी को व्हाट्सएप ऐप के थ्रू कॉल कर रहा है तो वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू ही कॉल हो पाएगा और उसमें व्हाट्सएप एप्लीकेशन सामने वाले के पास भी होना जरूरी है, ये आपके फोन नंबर से कॉल नहीं होती है। लेकिन BSNL ने क्या किया है, ये विंग्स एक ऐसी एप्लीकेशन है, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके दूसरे फोन में किसी दूसरे व्यक्ति के पास विंग्स इंस्टॉल हो या ना हो, BSNL जो रहेगा विंग्स ऐप के माध्यम से आपके फोन नंबर के थ्रू कॉल होगा और ये आपको इंटरनेट डेटा के थ्रू कॉल किया जाएगा। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, BSNL ने अपनी विंग्स लॉन्च की है। अब अगला फैक्ट इस स्लाइड से एसोसिएटेड है कि वोडाफोन अपना मर्जर किस कंपनी के साथ ट्राई कर रहा है, तो वो है आइडिया, ये आप याद रखिएगा। ओके, और इस क्वेश्चन इस स्लाइड में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य ने अपना सिंबॉल मीन्स ऑफिशियल सिंबॉल चेंज करने की घोषणा की है, तो ये है ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपना ऑफिशियल स्टेट सिंबल चेंज करने की घोषणा की है और इन्होंने ब्लैक बक को अब अपना स्टेट ट्री घोषित किया है और नीम का पेड़ मीन्स नीम ट्री को इन्होंने अपना स्टेट ट्री घोषित किया है, तो ये आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आंध्र प्रदेश के अगर दूसरे फैक्ट की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, जो प्रेजेंट सीएम है, वो है एन चंद्रबाबू नायडू, और अगर आपसे गवर्नर पूछा जाए एग्जाम में तो वो है ES नरसिम्हन। ES नरसिम्हन इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश और सीएम जो है वो है एन चंद्र बाबू नायडू। लेट्स लुक इन टू अनदर क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला मीडिया इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंडिया का सबसे पहला मीडिया इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया गया है या इनॉग्रेट किया गया है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा मीडिया इंक्यूबेशन क्या कहलाता है। इंक्यूबेशन एक स्टार्टअप से जुड़ा एक टर्म है। ये उन स्टार्टअप्स के लिए होता है जो नए स्टार्टअप होते हैं। ये इनको मेंटोरशिप की जाती है ताकि एक बड़ी जो कंपनीज रहती हैं उनके द्वारा मेंटोरशिप की जाती है ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके। तो हमारे एमपी में, मींस एमपी में अगर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो ये भोपाल में हमारे मीडिया इंक्यूबेशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। इसके माध्यम से जितने भी मीडिया एंटरप्राइजेस, अपनी नई मीडिया एंटरप्राइजेस हैं जो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हैं और ग्रो करना चाहती हैं, वो बड़ी कंपनी के माध्यम से अपने आप को मेंटोरशिप ले सकेंगी और वो अपने आप को ग्रो कर सकेंगी। इसके अलावा मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब इससे रिगार्डिंग मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा। ये भोपाल में तो हो रही है, लेकिन भोपाल के किस कॉलेज में इसका शिलान्यास या उद्घाटन किया गया? तो आप याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में इसका उद्घाटन किया गया। और ये कोलैबोरेशन किया जा रहा है नीति आयोग के साथ। ओके, नीति आयोग इसका कोलैबोरेशन कर रहा है और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? ओके, अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये थे हमारे वीडियो, आपको उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। यदि आपको ये मेरे चैनल और मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए लाइक और कमेंट करके, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप देख सकते हैं t.me/aditya-dubey-mbbs। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mbbs, या आप ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हैं twitter.com/cyberaditya। आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक, बाय बाय।